हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अभी की आकांक्षा। सो कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और सबकी करवा चौथ की तैयारी चल रही होगी। कैसे आपकी करवा चौथ की तैयारी चल रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी भी तैयारी हो चुकी है, थोड़ी बहुत तैयारी बाकी है जो चलती रहती है, क्योंकि हम लेडीज़ों की तो लास्ट तक में कोई तैयारी नहीं रहती है। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैसे तो मैं ऐसी कोई लॉन्ग वीडियो कभी शूट नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, बट जब हम सोशल मीडिया पे हैं, एक्टिव हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं और लाइक भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, जिनकी वीडियो का हम इंतज़ार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि अभी मैंने देखा है एक वीडियो, मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, बट यस आज मैं जो वीडियो में बोलने जा रही हूँ, मैं कोई किसी को जज करके या किसी को नहीं करके देख रही हूँ, बट मुझे आज थोड़ा सा जिसे मैं पसंद करती हूँ हर्ट होता है कि जब बात एक माँ के ऊपर आती है। ठीक है, तो माँ के जब ऊपर एक बात आई है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ उसमें। मेरा कोई मतलब नहीं है, आप लोग बिल्कुल कहोगे कि इनका क्या मतलब है, बट जेनरली मेरा मन किया तो मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि आजकल सभी लोग क्या करते हैं, रिएक्शन बनाते हैं, गंदे गंदे थंबनेल लगाते हैं और बस अपने चीज़ों के लिए करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं है या मैंने ऐसा कोई रिएक्शन चैनल नहीं खोल के रखा है, बट यस आज एक माँ को दुखी देखा है और बड़ा अंदर से वो लग रहा था कि यार, मतलब ठीक है, कहते हैं ना कि एक माँ 5 बच्चों को आराम से पाल लेती है। हर तरह के बच्चे होते हैं, हर मूड के बच्चे होते हैं, जिनको वो बहुत ही खुशी खुशी कर लेती है और हर एक बच्चे को बहुत प्यार देती है, हर एक बच्चे को ध्यान देती है, बट शायद 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल पाते हैं। केवल एक माँ जिनको, मतलब जो आज जो भी हम हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो भी हम हैं शायद उन्हीं की बदौलत है। अगर उन्होंने हमें कुछ भी ना सिखाया होता तो आज हम शायद ये जो कैमरा पकड़ के बोलते हैं ये भी ना बोल रहे होते। तो मैं बात कर रही हूँ सचिन मनीषा की मदर इन लॉ की, सचिन भैया की मदर की एंड मनीषा भाभी की मदर इन लॉ की। तो डेफिनेटली सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह है, वो चाहे सुचिता दीदी हो, चाहे मनीषा भाभी हो, सचिन भैया हो, प्रिंस हो और रंजना भाभी हो, सब अपनी जगह हैं। आंटी जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस एज में भी आंटी इस तरह से अपने आप को मेंटेन करना, मतलब मैं बताऊँ कि मैं उनकी एज की नहीं, मैं उनसे बहुत छोटी, बट मुझे देख के लगता है कि जब अगर वो इस एज में अपने आप को इतना मेंटेन रखती हैं तो हम क्यों नहीं रखते। हमें लगता है बस नहीं ठीक है। तो आज बहुत चीज़ें, मतलब मुझे ख़राब भी नहीं लगा, मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे ख़राब लगा या कुछ भी ऐसा लगा, बट यस डेफिनेटली जब एक माँ का दिल दुखता है तो बहुत ख़राब होता है। और मैं प्रिंस भैया को भी गलत क्या ही बोलूँ, किसी को गलत बोलने का, देखो हम पब्लिक हैं, हम लोग किसी को गलत सही बोल रहे हैं या कोई जज नहीं है जो हम करते हैं, बट यस डेफिनेटली अगर हमारा कोई सजेशन होता है, हमारी कोई राय होती है तो वो ज़रूर हम शेयर करते हैं। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आंटी ने बार बार अपने ब्लॉग में यही चीज़ बोली है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं था। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम किसी भी बात को ना फट से निगेटिव तुरंत सोचने लगते हैं। कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमारे घर में कोई लेट हो रहा है, अगर उसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया तो हमारे दिमाग में क्विक बहुत गंदी चीज़ पहले आती है, अपार्ट फ्रॉम कि सही पॉजिटिव चीज़ आती है। वैसे हमारे रिलेशंस भी होते हैं कि अगर हम अपने परिवार में ही बैठ कर, ठीक है, किसी भी परिवार में, फैमिली में बैठे हैं और बैठने के बाद अगर हम आपस में ही हमारी, मतलब रजामंदी नहीं है, हमारे आपस में अच्छे कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसका फ़ायदा तो लोग उठाते ही उठाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पब्लिक हो रही हैं कि हमने तुमको कहा, देखो आप माँ को कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बोलो जो उनके दिल पे हर्ट हो। माँ माँ ही होती है, वो भले हो जाए एक एज के बाद, अगर माँ बाप गलती भी करते हैं तो बच्चों का ये कर्तव्य है कि हम उनको समझाएं, हम उनको मतलब उस तरह से कोशिश करें कि वो हमारी बात को समझ पाएं, बजाय ये कि हम उनको जलील करें।
ठीक है, तो मैं प्रिंस भैया से यही चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, प्लीज़ आप लोग, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, बट मैं प्रिंस भैया से ज़रूर ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके दिमाग में जो चीज़ें आई या आपने जो भी चीज़ें बोली या आरटी जी ने जो भी चीज़ बोली, अगर उस चीज़ को दोनों ही सभी लोग पॉजिटिव वे में ले लेते, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। क्योंकि मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, इन लोगों के ब्लॉग्स को मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं बहुत फॉलो भी करती हूँ, इवन मैं आंटी को, अपनी मम्मी को भी दिखाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब किसी को आदमी फॉलो करता है, जिससे जिससे कभी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ उनको अगर कभी ऐसा लगता है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, बट वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए। उसकी वजह से जिस फैमिली में, जिस फैमिली को आप पसंद करते हैं, उस फैमिली में कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उस फैमिली को हर्ट करे। इसीलिए मैंने सबको ये चीज़ बोली कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले, सब अपने रिएक्शंस देने से पहले एक बार उस माँ के बारे में सोचते या उनसे पर्सनली ये चीज़ बात कर लेते। जबकि मैंने भी ब्लॉग देखा है, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, उन्होंने सिर्फ एक सजेशन दिया था। और मैं भी बेटी हूँ, मैं भी किसी घर की बेटी हूँ, मेरी भी भाभी हैं, ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं जाऊँ और मुझे कोई भी आदर सत्कार ना मिले, जब तक माँ बाप रहते हैं, जब कोई भाई की शादी नहीं होती तो वही बेटियाँ घर में जाके खाना झाड़ू पोछा सब कर लेती हैं, लेकिन जब भाई की शादी हो जाती है, जब भाभी आ जाती है, तो वो बेटियाँ कर तो देती हैं, बट वो एक्सपेक्ट करती हैं यार कि हमें भी कोई पूछने वाला हो, हम इस घर की बेटी हैं, हमारे भी कोई, और ख़ासकर मैरिज के बाद, क्योंकि मैरिज के बाद भाई बहन एक खून के होते हैं, बट जो हमारे साथ अनदर रिलेशन जुड़ते हैं उनका माइंडसेट हमें नहीं पता होता है कि वो किस तरह के हैं। अगर मेरा भाई है, अगर कुछ भी गलती करेगा तो मैं बहन होकर उसको छुपा लूँगी, मैं बहन हूँ उसकी, अगर मैं कोई गलती करूँगी तो वो भाई होकर छुपा लेगा, लेकिन जो अनदर पर्सन हमारे लाइफ में आते हैं, हमारे घर में आते हैं, वो नहीं छुपाएंगे, क्योंकि वो हमारे लाइफ पार्टनर है, ना कि हमारे सगे माँ बाप के एक ही साथ में है। हर एक घर में ये चीज़ें होती हैं। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि किसी भी बहन को, किसी भी कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई भी हो ना, तो प्लीज़ ऐसे मत नाराज़ करिए, क्योंकि रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं। और आप ग्रेटिट्यूड फील करिए, भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि हमारे पास फैमिली है। उन उनसे पूछिए जिनके पास कोई नहीं होता है, जिनका कुछ नहीं होता है। और मैं एक चीज़ सबको यही चीज़ बोलूँगी, मतलब मैं बहुत छोटी हूँ, हो सकता है मैं बहुत ही, आप लोग बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो, मेरा, मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बट मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि कुछ भी हो जाए, फैमिली फैमिली ही होती है, या अगर हम छोटे होके चार बातें सुन लेते हैं तो वो ज़्यादा मैटर करता है। शादी के बाद चीज़ें चेंज होती हैं, मेरी लाइफ में भी हुई हैं, सबके लाइफ में होती हैं, बट वो चेंजेस एक्सेप्ट किस तरह से कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस मैं इस व्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचूंगी, मेरा मन किया था केवल अपना सजेशन। तो मैं प्रिंस भैया से ये रिक्वेस्ट करूँगी, रंजना भाभी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, और स्पेशली मैं सुचिता दीदी को थैंक्सफुल बोलती हूँ कि उन्होंने इतनी मैच्योरिटी अवेलेबल रखी हुई है। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आंटी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला है, ठीक है। मेरे इस वीडियो में कोई भी मत देखो, मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ मैं व्यूज़ के लिए एंड ऑल, क्योंकि आजकल लोग तुरंत कमेंट करते हैं, अच्छा ठीक है कुछ नहीं चल रहा था तो इसने व्यूज़ उठा लिया, नहीं आप मत देखो, नहीं पसंद आ रहा है एक भी व्यू ना आए, बट मैंने अपने ये पॉइंट ऑफ व्यू अपने यूट्यूब में कैप्चर करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अच्छा लगा, मुझे बोलना अच्छा लगा, इसलिए मैं आई हूँ। तो प्लीज़ मैं सबसे यही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसे गंदे कमेंट बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। फैमिली हर्ट होता है, ठीक है, एक इज्जत होती है, एक मान सम्मान होता है, तो प्लीज़ किसी की फैमिली को ऐसे गंदे तरीके से मत उछालिए, कोई भी हो। हमारी फैमिली को भी कोई उठाएगा, हमारे कम सब्सक्राइबर हैं तब भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, सुचिता दीदी बहुत अच्छी है, मैच्योर लेवल भी बहुत अच्छा है, जीजू भी बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़ आप लोग बैठ के एक बार आपस में बात करिए, सॉल्यूशन करिए। दिवाली इतना अच्छा हो रहा है, इसमें तो वैसे भी दशहरे में हर बुराई का अंत करके राम जी ने अयोध्या लौटे थे, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी जितने गिले शिकवे हैं, प्लीज़ साथ में बैठ के उसको जल्दी से शॉर्ट आउट करिए और आंटी के साथ फेस्टिवल मनाइए, क्योंकि सच में वो चहल पहल आपके घर में जो एक ब्लॉग में आती थी वो बिल्कुल शांत हो गई, और माँ बाप का दिल बहुत दुखता है। तो प्लीज़
ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे सजेशंस अच्छे लगते हैं, ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मैं ये केवल सचिन भैया की, प्रिंस भैया की, श्रुति दी की फैमिली के लिए नहीं, मैं बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने शेयर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं व्लॉगिंग वैसे बहुत कम करती हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने आज ये चीज़ें की हैं। अच्छा इन द सेंस कि आज मैंने उनकी जब वीडियो देखी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हंसती खिल खिलाती नहीं थी, तो मुझे लगा कि एक माँ के लिए, मैं भी किसी माँ की बेटी हूँ, ठीक है, मेरे हस्बैंड भी किसी माँ के बेटे हैं, तो बहुत मैटर करता है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ बिल्कुल आप हमें भी, मुझे भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कहीं पर मैंने कुछ गलत बोला है। और आंटी प्लीज़ आप बिल्कुल भी होपलेस मत होइए, क्योंकि अगर आप ने इस उम्र में बहुत इंस्पायरेशन भी है आप सबके लिए कि आप इतना टाइम निकालती हैं इस एज में, एक एज होने के बाद। मेरी मदर भी नहीं इतना ज़्यादा कर पाती हैं, ठीक है, फिर भी वो हम लोग के साथ एक्टिव रहती। तो परिवार परिवार होता है भाई, प्लीज़ इसे मत करो, मत करो, और सब लोग बैठ के बात करो। और दिवाली फेस्टिवल में एक उसी तरीके से राज फैमिली आए, जैसे अंकल जी ने बोला है कि राज फैमिली, तो उस तरीके से आए जिस तरीके से पहले थी, जो हंसी मजाक करते हैं। तो चलिए ब्लॉग को बहुत लंबा नहीं करते, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं, वेलकम है। थैंक यू सो मच।